बच्चों, अब आपको 1 से 10 तक की गिनती रोमन अंकों में लिखनी आ गई है। आइए आगे सीख लेते हैं। पहले पिछला दोहरा लेते हैं। रोमन अंक 1 होता है कैपिटल आई, 5 होता है कैपिटल बी और 10 होगा कैपिटल एक्स। तो 1 होगा कैपिटल आई, 2 होगा 1+1 यानी डबल आई, 3 होगा 1+1+1 यानी 3 बार आई, 4 रोमन गिनती में होगा 4=5-1 यानी b से पहले i से प्रदर्शित करेंगे, 5 होगा b, 6 होगा 5+1, 7 होगा 5+1+1 यानी b के बाद 2 बार i, 8 होगा 5+1+1+1 यानी b के बाद 3 बार i, 9 होगा 10-1 यानी x से पहले i, 10 होगा x, 10 के बाद हम 11, 12, 13 कैसे लिखेंगे? इसके लिए 1 से 10 तक की गिनती याद रखिए। 11 क्या होता है? 10+1 यानी x और i, 12 होगा 10+2 यानी x और 2 बार i, 13 होगा x और 3 बार i, 14 होता है 10+4 यानी 10 का चिन्ह होता है x और 4 का चिन्ह होता है b से पहले i, 15 होगा 10+5 यानी x और b। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाईं ओर लिखी जाए तो उसमें जोड़ी जाती है, यानी रोमन एक्स भी होगा एक्स प्लस बी। इसी तरह से 16 क्या होता है? 10+6 यानी एक्स और बी आई, 17 होगा 10+7 यानी एक्स और बी आई आई, 18 होगा एक्स और उसके बाद बी आई आई आई, 19 होगा 10+9 यानी 10 का चिन्ह एक्स और 9 का चिन्ह एक्स के पहले आई, 20 होगा 2 बार 10 यानी 10+10 यानी एक्स और एक्स। अब कुछ सवाल करके देखते हैं। रोमन गिनती में 15 कैसे लिखा जाएगा? आपको इसका तरीका पता है। 10 से 40 के बीच का कोई अंक जानने के लिए पता करिए उसमें कितनी दहाई और इकाइयां आ रही हैं। 15 हुआ 1 दहाई और 5 इकाई, यानी 15=10+5=xv। रोमन गिनती में 28 कैसे लिखा जाएगा? पता करिए उसमें कितनी दहाई और इकाई आ रही है। 28 हुआ 2 दहाई और 8 इकाई, यानी 28=10+10+8=xxviii। आई बी और एक्स की मदद से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? आइए उस संख्या का पता करते हैं। पहले उसमें कितनी दहाई हो सकती है? याद है एक्स ज्यादा से ज्यादा 3 बार इस्तेमाल हो सकता है, यानी 3 दहाई। अब उसमें कितनी इकाई हो सकती है? याद करिए 9 सबसे बड़ी एक अंक की संख्या है, यानी 9 इकाइयां, यानी आई बी और एक्स की मदद से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 39, जिसमें 3 दहाई और 9 इकाई आएंगी, यानी 39=10+10+10+9=xxxii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 i
9 तक की गिनती लिख सकते हैं। मजेदार है ना? अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।